नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। दिल्ली एनसीआर में रात भर हुई बारिश से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए और सड़कों पर कई फीट तक पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली का मिंटो रोड कुख्यात है पानी भरने के लिए और कहा जाता है कि अगर इंद्रदेव हल्का सा छींक भर दें तो यहाँ पानी जमा हो जाता है। दिल्ली के मिंटो रोड पर एक गाड़ी पानी में पूरी तरह से डूब गई। वहीं कनॉट प्लेस में भारी बारिश के बाद दरिया बने हुए हैं सड़कों पर। भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन बारिश से लोगों को और सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बारिश ने सरकार के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। राजधानी में जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कों पर सैलाब सा आया हुआ है, गाड़ियां डूब गई हैं और एम्स फ्लाईओवर के पास भी यहाँ जलभराव होने की वजह से बस में पानी घुस गया और बस वहाँ पूरी तरह से पानी में डूब गई। आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक जो पहली तस्वीर है वो यमुना बैंक दिल्ली मेट्रो स्टेशन के सामने वाले रोड की है। शांति पथ पर क्या हाल है ये भी देख सकते हैं। अकबर रोड जलमग्न है, मधु विहार में पानी लगा हुआ है, मोती बाग में भी पानी भरा हुआ है, मेहरौली भी इससे अछूता नहीं है, लोधी कॉलोनी के लोग भी घुटनों घुटनों पानी में निकल रहे हैं और मिंटो रोड तो कुख्यात है ही पानी भरने के लिए। तो ये अंडरपास के हालात कुछ अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से रेस्क्यू करना पड़ रहा है लोगों का। एक बस पानी में फंस गई थी और उस बस के बाद अब ये कंटेनर देखिए, ये कंटेनर मिंटो रोड का ही है जो मिंटो रोड पर अंडरपास में पानी भरा हुआ है और ये हर बार की स्थिति है। इस बार तो बारिश ठीक ठाक हुई, अच्छी खासी बारिश हुई है। रात में करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई और सुबह 7 बजे तक लगातार बिना रुके बारिश हुई है। तो ऐसा तस्वीरें दिखना तो ये स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में पानी की निकासी कितनी अच्छी है ये पूरी तस्दीक करता हुआ दृश्य। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर भोपाल से, जहां पर आरटीओ बैरियर पर वसूली को लेकर विवाद हो गया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया इसके खिलाफ, अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोला गया। सीएम का अफसरों को 2 टूक निर्देश है, ऑनलाइन चेक पोस्ट नियम लागू करें। अवैध वसूली से मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है और यहां आरटीओ बैरियर पर अवैध वसूली को लेकर बवाल, और ऐसे में अवैध वसूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और यहां सीएम का अफसरों को 2 टूक निर्देश है कि ऑनलाइन चेक पोस्ट नियम लागू किया जाए। अवैध वसूली से मध्य प्रदेश की बदनामी हो रही है, प्रशासन की बदनामी हो रही है, कहना है खुद प्रदेश के मुखिया का। चूंकि आरटीओ बैरियर पर वसूली को लेकर विवाद बढ़ रहा है और इस विवाद का पटाक्षेप ऑनलाइन व्यवस्था बनाने से होगा, ऑनलाइन चेक पोस्ट के नियम लागू करने से होगा, और खुद मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिए हुए हैं और आरटीओ बैरियर पर हो रही वसूली और उससे जुड़े विवाद की कहानी कहां जाकर खत्म होगी ये भी देखना हम होगा। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देशित कर दिया है कि ऑनलाइन चेक पोस्ट नियम लागू किए जाएं, जिससे कि मध्य प्रदेश की हो रही बदनामी को रोका जा सके, लोगों को हो रही परेशानी का हल निकल सके। आरटीओ बैरियर पर अवैध वसूली और उससे जुड़े विवाद के विषय में खुद मुख्यमंत्री भी अब संज्ञान ले रहे हैं और अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया हुआ है कि ऑनलाइन चेक पोस्ट के नियमों को लागू किया जाए, जिससे कि मध्य प्रदेश को बदनाम होने से रोका जा सके, इस बदनामी से बचा जा सके और लोगों की समस्याओं का हल निकाला जा सके। शैलेंद्र चौहान से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर अभी तक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी कहां तक पहुंची है व्यवस्था को दुरुस्त करने की कार्रवाई। जी शैलेंद्र। देखिए, मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं आरटीओ बैरियर के मामले में व्यवस्थाओं को लेकर बदनाम है और खासकर टोल बैरियर जो आरटीओ है परिवहन विभाग, वो सबसे ज्यादा अगर करप्शन की बात की जाए, भ्रष्टाचार की, तो और इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। अगर बैरियर पे जिस तरह वसूली होती है, जिस तरीके से वहां पर ट्रक ऑपरेटर से उनके साथ मारपीट होती है, राशि वसूली जाती है, मध्य प्रदेश का ट्रक ऑपरेटर हो या देश का, लगातार इसको लेकर मांग उठाता रहा है कि इसको बंद करना चाहिए, इसको लेकर सख्ती होना चाहिए। उसके बाद कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कड़े तेवर में थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कल बैठक में कि गुजरात का जो मॉडल है उसी पैटर्न पर ऑनलाइन चेक पोस्ट सिस्टम होना चाहिए और वहां पर जो
सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि परिवहन विभाग के जो उपायुक्त थे, जो दो दिन पहले उन्होंने खुद उमेश जोगा ने एक पत्र जारी किया था जिसमें साफ लिखा था कि जो टोल बैरियर पर अवैध लोग बैठे रहते हैं, जो कटर बैठे रहते हैं, उनको हटाया जाए, वो नजर नहीं आना चाहिए, इन पर कार्रवाई हो। और उसी के बाद ऑपरेटर एशियन ट्रक ऑपरेटर हो या जितने भी बस मालिक से या ट्रक मालिक है, इन्होंने लगातार उसको लेकर पत्र भी लिखे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है जिसमें बात लिखी है कि या खुद विभाग मान रहा है कि अवैध वसूली होती है और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार परिवहन विभाग में हो रहा है और इस भ्रष्टाचार को बंद करना चाहिए, कड़े कार्रवाई होना चाहिए और जितने दोषी अफसर हैं जो यहां पर टोल बैरियर पर अवैध वसूली प्राइवेटर लोग को बिठाकर कराते हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होकर उन्हें जांच करके न सिर्फ लोगों को बल्कि सरकार को भी एक बड़ी राहत मिलेगी शैलेंद्र, जिससे कि मध्य प्रदेश की जो बदनामी का जिक्र मुख्यमंत्री कर रहे थे उससे भी मध्य प्रदेश को बचाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करेंगे दिल्ली और जबलपुर में एयरपोर्ट पर हुए हादसों की। जहां बारिश के बाद हादसों के बाद अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एयरपोर्ट्स कितने सुरक्षित हैं। जहां बात करें दिल्ली एयरपोर्ट की, तो यहां पर इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई, तो करीब 8 लोग इस हादसे का शिकार हुए, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। और आज सुबह टर्मिनल 1 पर एक छत का हिस्सा टूटकर गिर गया था जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। वहीं बीते कल जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर तेज बारिश के चलते एयरपोर्ट के ड्रॉप एंड गो जोन के ऊपर लगा हुआ शेड गिर गया जिसमें नीचे खड़े सरकारी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत यह रही कि कार में उस वक्त कोई शख्स नहीं था, जिस वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। और इस घटना के बाद एयरपोर्ट में करोड़ों रुपए के निर्माण को कटघरे में खड़ा किया गया। फिलहाल टर्मिनल 1 से जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। और शंकर आनंद हमारे सहयोगी, सुबह जब यह घटना हुई तभी से लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शंकर, अभी जानकारी ये मिल रही कि एक शख्स की जान भी इस दुर्घटना में चली गई है, इससे संबंधित विभाग के मंत्री भी मौके पर पहुंचे थे, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्या तथ्य इसमें अब तक सामने आए हैं सुबह से लेकर अब तक? देखिए, जिस तरह से हादसा आज सुबह में हुआ है, सुबह में तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बीच में ये हादसा हुआ है, उसके बाद लगातार जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए राहत और बचाव कार्य जो है एक तरफ किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अभी जो है स्थिति यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। हालांकि सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से यहाँ पर बकायदा अभी स्थिति जो है अभी बेहतर करना है, उसके लिए यहाँ पे काम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे काफी जो पैसेंजर्स जो है वो आ रहे हैं, हालांकि जो डिपार्चर जो है यहाँ से डिपार्चर का ये गेट है जहाँ पे ये सारी चीजें हुई हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम, सीआईएसएफ की टीम, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और आज बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से ये आज ये मामला देखने को मिला है। हालांकि इस हादसे में 8 लोग जख्मी हुए और एक शख्स की मौत हो गई है। हालांकि ये बेहद दुखदायी खबर कही जा सकती है, लेकिन इस वक्त में तमाम मौके पे तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं और कोशिश ये किया जा रहा है जितना जल्द से जल्द इस मामले पर काम को बेहतर किया जा सकता है। जी। लेकिन शंकर, एक और बात जानना चाहेंगे, जिस शख्स की मौत हुई या जो लोग घायल हैं वो स्टाफ हैं, नॉन स्टाफ हैं, पैसेंजर हैं, ड्राइवर हैं, कौन लोग हैं ये? देखिए, यहाँ पर कई लोग जो हैं जो अपनी गाड़ियां यहाँ पर लगा के मॉर्निंग में जो टैक्सी जो है वो यहाँ पर लगी हुई थी और उसी वक्त में वो कुछ लोगों का लाने के लिए यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था, कहा जा सकता है पैसेंजर्स का इंतजार किया जा रहा था लोग, लेकिन जो जो जख्मी हुए हैं उसमें ज्यादातर लोग जो टैक्सी ड्राइवर जो है वो हैं और इसके साथ साथ कुछ यात्री भी थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि मॉर्निंग में 5 बजे का वक्त जब हादसा हुआ था उस वक्त में बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं थे, यही 9 बजे ये अमूमन यूज होता है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उतनी भीड़ यहाँ पर नहीं रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शंकर। बढ़ते आगे और इंदौर से खबर, जहां इंदौर में मानसून से पहले ही डेंगू का डंक एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। जी हाँ, डेंगू के 24 घंटे में 13 मरीज सामने आए हैं। डेंगू के 13 मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के क्षेत्रों को चिन्हित किया है और चिन्हित क्षेत्रों के लिए सैंपल्स दिए जा रहे हैं। पहली बारिश के बाद ही इंदौर में डेंगू का विस्फोट हो चला है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मिथिलेश, ये डेंगू का डंक अभी मॉनसून के पूरी तरह से एक्टिव होने से पहले ही सता रहा है, आगे तो चुनौतियां और बढ़ जाएंगी ऐसे? जी बिल्कुल, और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप भी मचा हुआ है क्योंकि बीते 24 घंटे में
डेंगू के 13 मरीज सामने आए, यानी 13 केस डेंगू के सामने आए हैं, जिसको लेकर आप स्वास्थ्य विभाग काफी चिंतित है। आज से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है जिन क्षेत्रों में डेंगू के मरीज सामने आए सबसे पहले वहां पे जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डेंगू से बचाव जागरूकता ही एक उपाय है, यानी लोग अपने घर के आसपास अगर थोड़ा उसकी सफाई करें, घर के गमले या पुराने कूलर या पुराने कोई सामान के अंदर पानी भरा हुआ है जो खासतौर पर छतों पे या बालकनी में भर जाता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो शायद उन्हें भी ध्यान दें, उनकी साफ सफाई करें, क्योंकि अब मानसून जो है ज्यादा दिन दूर नहीं है, मानसून कुछ दिन नहीं सक्रिय हो जाएगा, तो बरसात के पहले सफाई कर ले। और हालांकि इंदौर में जो अभी बीते एक दो दिन में जो बरसात हुई है उसके वजह से डेंगू के मामले भी अब सामने आने लग गए हैं। आज जागरूकता अभियान चलाने की बात कही जा रही है, नगर निगम उन क्षेत्रों में आज फोगिंग भी करेगा जहां पर डेंगू के मामले सामने आए, लार्वा के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। तो अब लोगों को समझाई दी जाएगी, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा कि डेंगू के मामले तेजी से आ रहे हैं, और छोटे जो बच्चे, खासतौर पर सावधानी रखने की बात है छोटे बच्चों को लेकर, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें फुल स्लीव्स के जो कपड़े हैं या वो जरूर पहनाएं। बार बार डॉक्टर कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को लेकर सावधानी बरतें, छोटे बच्चों को मच्छरदानी के अंदर सुलाएं। और लेकिन मिथिलेश, जो मरीज यहाँ सामने आए हैं उन मरीजों के क्षेत्रों को चिन्हित करने के पीछे क्या मकसद है? वो क्षेत्र चिन्हित करने से कैसे कार्रवाई होगी और कैसे डेंगू से बच पाएगा स्वास्थ्य विभाग, लोगों को कैसे बचाएगा? देखिए, उनका कहना है कि जहां पर ये डेंगू के मामले सामने आए हैं उन घरों के आसपास की जगहों को देखेंगे कि पानी स्टोर कहां हुआ है, ये जो डेंगू के लार्वा ये पनपे कहते हैं कहां पर ये लार्वा इकट्ठे हुए थे, तो इसलिए उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग वहां पे गलतियां कर रहे हो। खासतौर पर देखा जाता है कि जिनके घर जो बालकनी वाले होते हैं या जिनके छतों पर लोग पुराने सामान रखते हैं उस पर लोग ध्यान नहीं देते, गलतियां वहीं करते हैं, और वहां पर जब बरसात का साफ पानी इकट्ठा होता है तो मच्छर वहीं पनपते हैं, और इसलिए उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। और आसपास के जहां पर जिस घर में डेंगू के मरीज मिले हैं उनके आसपास के घरों को भी जांच में लिया जाएगा कि ये मच्छर उनके घर पे पनपे या आसपास कहीं पानी स्टोर हुआ है, कोई पानी का टंकी ऊपर जो है वो खुले पर है, तो हर एक चीजों को उन्होंने कहा है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कि जांच कराई जाएगी। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों के लिए चुनौती और आम लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी यहां पर ये बन सकता है, इससे पहले कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। बढ़ते आगे, और दिल्ली एनसीआर में लिफ्ट गिरने की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में सोसाइटी में लिफ्ट में एक हादसा हुआ और लिफ्ट गिरने से लिफ्ट में सवार एक ही परिवार के 6 लोगों को चोट आई। बताया जा रहा है कि ये लिफ्ट 10वीं मंजिल से 7वीं मंजिल तक तो ठीक से आई, फिर 7वीं मंजिल से अचानक गिरकर दूसरी और तीसरी मंजिल पर आकर रुक गई। इस हादसे में 10 मिनट तक ये लोग लिफ्ट में फंसे रहे और इसके बाद सभी 5 फीट से कूद कर बाहर निकले और इसमें लिफ्ट में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। और आपको बता दें कि तस्वीर से बाहर आई तस्वीरें, जो तस्वीर से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये सीसीटीवी काफी कुछ बयां कर रहा है यहाँ इस पूरी घटना को लेकर। अपनी मेरी मदर इन लॉ को छोड़ने यही रहती है पास में सन सिटी में, तो हम 10th फ्लोर पे पुट्टे चले हैं, 7वें से लिफ्ट गिरना शुरू हुई है और दूसरे पे अटक गई थी। अच्छा। और ऊपर से सब होल्डर होल्डर होते हैं हमारे ऊपर, तो आपको काफी चोट आई है? हाँ जी। आप चोट दिखा दीजिए एक सेकेंड। चोट लगी है मुझे, ये देखिए, ये पूरा चोट लगी हुई है, इनके गर्दन पे चोट लगी है, इनके पैर सर पे लगी हुई है, इनके मेरी कमर में लगी है, झटका है, और पैर आपको सूजा हुआ है, आपकी बहन का कटा हुआ है हाथ, मेरी बहन का यहाँ हाथ कट गया है, मदर इन लॉ को लगा हुआ है, घुटने में स्वेलिंग आ गई है, झटका लगा क्योंकि वो एकदम से बैठ गई ना नीचे। अच्छा। और बच्चे तो पैनिक कर गए। हाँ, ये मतलब 7 से आई थी। अच्छा। से ये डायरेक्ट एकदम 2 पर आ गई, गिरी है। इसमें कितने लोग थे? इसमें 5-6 लोग थे। उनको चोट लगी? नहीं, मैंने निकाला था ऊपर। अच्छा। चोट आपने देखा है? चोट भी लगी हुई है सबके, बताया तो नहीं, मेरे को बताया नहीं तो मेरे को पता, पर ये गिरी है। हाँ, गिरी है। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, ये गाजियाबाद में इंदिरापुरम, कौशाम्बी और ये आसपास के कई ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए आशीष, आपको बताना चाहूंगा ये सिर्फ मामला गाजियाबाद का नहीं है, दिल्ली एनसीआर सहित पूरे गाजियाबाद में हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है और जहां आने जाने के लिए लोगों को लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में पहली मरतबा ये घटना क्रम नहीं हुआ है कि कोई लिफ्ट फंसी है, उसमें इस तरह के लोग बाग फंसे हैं। हालिया मामला जो है वो अहिंसा खंड इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का है, जहां एक निजी सोसाइटी में लिफ्ट फंस गई है और जिसके साथ ही
एक ही परिवार के छह लोग उसमें घायल हुए। गनीमत इस बात की रही कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हालांकि सीसीटीवी में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से वो लोग वहां से उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, वो कूद कूद कर वहां से निकल रहे हैं। हालांकि किशोर रीरा ने भी कई बार अपनी क्वेश्चन की है और जो सोसाइटी है उनसे कहा भी है कि जो लिफ्ट का मेंटेनेंस है उसको किया जाए। लिफ्ट को लेकर कानून बनाने की बात भी लगातार कही जा रही थी लेकिन अभी तक इसमें कोई इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही कारण भी रहा कि दिन ब दिन एक के बाद एक नई घटनाएं देखने को मिलती है। खासकर अगर बात की जाए गाजियाबाद की जहां हाई राइज बिल्डिंग है, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अपने जीवन भर की कमाई लोग बाग जो है अपने एक आशियाने बनाने के लिए ले लेते हैं और उस आशियाने में जब जाते हैं तो वहां उन्हें लगता है कि तमाम सुविधाएं उनको मिलेंगी लेकिन वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस के नाम पर हजारों रुपए पर मंथ उनसे लिए जाते हैं जो कि किराए से भी ज्यादा महंगा पड़ता है। बावजूद उसके उसे हजारों रुपए मेंटेनेंस के नाम पर लिए जाते हैं और मेंटेनेंस के नाम पर सुविधा के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता है। यही कारण भी रहा कि लगातार इस तरह की घटना यहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन जो हालिया मामला है वो अहिंसागंज का है जो कि इंद्रापुरम थाना क्षेत्र का है। जैसा आपने अभी खुद बताया कि इंद्रापुरम वैशाली वसुंधरा ये टीएचए इलाका कहलाता है। बिल्कुल, और ये एक समस्या यहाँ पर निश्चित रूप से बनी ही हुई है और आगे इसके लिए क्या प्रशासन कोई कदम उठाता है ये भी देखने का विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया। सदन में उन्होंने पहले नीट पर चर्चा हो इसकी मांग की और नीट पर बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से इस बात को रखा और कहा कि छात्र देश का भविष्य है और देश के भविष्य के साथ इस तरह के खिलवाड़ एग्जाम्स में होना, इसको लेकर राहुल गांधी अब इस पर चर्चा की मांग को लेकर पुरजोर तरीके से इस विषय को उठा रहे। ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले। घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं सर, परीक्षा स्थगित करने का। थैंक यू जी। कि आपके उठाए गए मुद्दे पर सरकार जवाब देगी, माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री महासचिव। सर, आई बेग टू ले ऑन द टेबल अ कॉपी ऑफ न्यू डायरेक्शन 116A हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन इशूड बाय द स्पीकर under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। चर्चा की मांग और हंगामा लगातार जारी है। आपको बता दें कि अभी 12 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा यहां चल रही थी और इस पूरे विषय को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान
सदन की कार्यवाही को हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर सदन को संबोधित किया और कई विषयों को लेकर शांति बनाए रखने की अपील वहां पर विपक्ष के सांसदों से सदस्यों से उन्होंने की, लेकिन हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और बढ़ते आगे भोपाल से अगली खबर, जहां पेपर लीक मामले पर सख्त कानून मध्य प्रदेश सरकार लाने जा रही है। दरअसल पेपर लीक मामलों को लेकर इसे रोकना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, ऐसे में इस पर अब सख्त कानून लाया जाएगा। और इस कानून के प्रावधानों की यदि बात करें तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और दोषी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने के साथ साथ उसे 10 साल तक की जेल का भी प्रावधान इसमें किया जा रहा है। दरअसल सभी तरह की गड़बड़ियों गैर जमानती दायरे में आएंगी गड़बड़ियों को लेकर, और साथ ही आरोपी की प्रॉपर्टी को अटैच कर जब्त किया जाएगा। परीक्षण के लिए विधि विभाग को ड्राफ्ट भेज दिया गया है। मौजूदा सत्र में कानून लाने की तैयारी में है सरकार।